अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं बनाऊंगी शाशेल के स्टिक। इसके लिए ये मैंने एक कप चिकन ले ली है। इसके मैंने ये चकोर चकोर से पीसेस कर लिए थे और इसमें जाएगा काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, चाइनीज़ नमक 1/4 टीस्पून, ये राई है, मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। इसको मैं चिकन में मिला दूंगी। इसको मिक्स करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। और ये मैंने टमाटर लिए हैं इस तरह, इसको मैंने चकोर से काट लिए थे बीज निकाल के। शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी ये चकोर से पीसेस में। और इसके साथ मैं बनाऊंगी बारबेक्यू सॉस। सब मैं बना लेती हूँ बारबेक्यू सॉस। इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक जाएगा इसमें। लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद 2 कप इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा, ये 1 कप, ये 2 कप जाएगा, 1/4 टीस्पून नमक और ये 1/4 टीस्पून चीनी। इसके बाद इसमें सिरका जाएगा 1/4 कप, ये 1/4 कप है, 1/2 टीस्पून। और इसके बाद ये इतनी देर तक भूनना है कि ये इसका पानी खुश्क हो जाए और ये थिक हो जाए। रेडी है तकरीबन। और अब इस टाइम पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ये केचप ले लिया है मैंने, ये ऐड कर दूंगी और इसको कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब ये मैं इसमें चिकन लगा लूंगी, फिर जाएगा इसमें टमाटर और अब जाएगी शिमला मिर्च। इसी तरह मैं सारी स्टिक्स बना बना के रख लेती हूँ। 1, 2। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हो गया पैन में फ्राई। अगर आपने तवे में फ्राई करना है तो तवे का भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको अब रख देंगे फ्राई होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देती हूँ। तवे के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, फिर इसमें ले जाएगी चिकन। और चिकन के बाद इसमें सॉस, बारबेक्यू सॉस, ऊपर से इसमें शामिल होगी ये शिमला मिर्च और फिर जाएंगे टमाटर। इसको मैं मिक्स कर दूंगी, स्लो फ्लेम पे इसको भी रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और व्यूअर्स, अगर जल्दी है तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें। और व्यूअर्स, ये तकरीबन रेडी है चिकन, मैं दिखा देती हूँ, गल गई है। हाँ, ये बिल्कुल गल गई है। इसको मैं निकाल लूँगी और ये स्टिक्स की देख लेते हैं हम। स्टिक्स की भी तकरीबन रेडी है ये सेट। और व्यूअर्स, मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।